नमस्कार मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 26 जनवरी नज़दीक है यानी कि बहत्तरवा गणतंत्र दिवस खुशी का माहौल होगा क्योंकि गणतंत्र दिवस का वो दिन होगा हालांकि कोरोना के इस काल में भीड़ इकट्ठे करने पर लेकर पाबंदियां अभी भी जारी हैं सोशल डिस्टेंसिंग को अभी भी मानना और शक्ति से पालन करना जरूरी है क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है अभी भी बना हुआ है कोरोना का खतरा बना हुआ है लेकिन इस कोरोना के खतरे के बीच गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं गांधी मैदान पटना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप तमाम जो पुलिस फोर्स हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी करते आपको नजर आ रहे होंगे लेकिन साथ ही यहाँ पर आपको कोरोना जांच का जो बंदोबस्त किया गया है वो भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो परेड में शामिल होने वाले सिपाही हैं या पुलिस हैं उन्हें अपना कोरोना जांच करवाना होगा और जो कोरोना निगेटिव आएगा वही इस परेड में शामिल हो पाएगा आप यह तस्वीर देखिए पटना के गांधी मैदान से जहां पर तैयारियों के साथ कोरोना की जांच भी की जा रही है छब्बीस जनवरी परेड में जो लोग शामिल होंगे उनका हम लोग एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं कोरोना जांच के लिए तो अभी तक लगभग 800 सौ साढ़े आदमी का हो गया है ग्यारह सौ आदमी के लिए कहा गया है लगभग पिछले साल यानी 2020 में जो स्वतंत्रता दिवस था हमारा वो हम अच्छे से नहीं मना पाए लॉकडाउन के कारण घरों में ही हर कोई रहा और कहीं कहीं पर झंडा तोलन जरूर हुआ लेकिन भीड़ कहीं भी इकट्ठा नहीं हुई नहीं हुई कोई कार्यक्रम आपको होता नज़र नहीं आया लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार गणतंत्र दिवस पर छः यानी छब्बीस जनवरी के दिन आपको थोड़ी बहुत रौनक और कार्यक्रम आपको नजर आएंगे तमाम स्कूलें भी खोल दिए गए हैं बिहार में नौ नौवीं क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो भी खोल दिए गए हैं और इसके अलावा अट्ठारह जनवरी के बाद ये भी समीक्षा की जाएगी कि क्या दूसरे क्लासेस भी खोले जाए लेकिन फिलहाल तैयारियां जो हैं वो 26 जनवरी की, की जा रही है इस बार पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल जो हैं वो झंडा तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस के दिन पर और हो सकता है कि शायद थोड़े बहुत पब्लिक को भी आने की इजाज़त इस बार कहीं मिल जाए क्योंकि उस समय बिल्कुल भी किसी को आने की इजाज़त 15 अगस्त 2020 में नहीं थी अब देखना ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस दिवस का जो ये परेड है वो कितने बेहतरीन तरीके से किया जा पाएगा और कोरोना का संक्रमण भी ना फैले इसका भी ध्यान देना जरूरी है और शायद इसी वजह से हर किसी का कोरोना जांच किया जा रहा है जो परेड में शामिल होने वाला है और जो निगेटिव आएगा वही इस परेड में शामिल हो पाएगा बने रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे धन्यवाद